अगर आप अपने टीनेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। नमस्कार हम दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी, ना आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ एंड पर्सनल फाइनेंसेस। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ बुक रिकमेंडेशंस करने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, जो टीन एज में है, यू नो 13, 14, 15 के एज में है। एंड ये एज एक ऐसी एज है जहाँ पे यू नो आपके भटकने के चांसेस बहुत होते हैं, आप गलत संगत के साथ जा सकते हो, आपकी आगे की लाइफ बिगड़ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड जो जो बुक्स मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो भी पढ़ना ज़रूरी है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड ये सारे बुक्स 300 के प्राइस के नीचे वाले रेंज में तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं बता दूँ कि जो भी बुक्स मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उन सब के रिव्यू वीडियोस एंड बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक कर लेना। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहली बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा टीनेजर्स को वो है लुकिंग इनवर्ड बाय स्वामी पूर्ण चैतन्य। अब ये द रीज़न इज़ कि मैं इसको पहले रिकमेंड कर रहा हूँ टीनेजर्स को, कि क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होती है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप यू नो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो इस बुक को पढ़ के, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होती है एंड इसकी इंग्लिश भी बहुत ही आसान है, स्पेशली इंडियंस के लिए बहुत ही आसान है, इजी टू रीड है। मतलब यू नो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो आप इस बुक को पढ़ के, एंड इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी गई छोटी छोटी, जो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू नो आपकी आगे की लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इसकी प्रैक्टिसेस कर लेते हो, तभी आपकी लाइफ आसान होगी। यू नो जस्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा, अप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड बहुत ही अच्छी बुक है यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड आप चेक कर सकते हैं इसका रिव्यू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड मैंने इसको कितनी रेटिंग्स दी है वो भी आप चेक कर सकते हो उस रिव्यू वीडियो में। सो दोस्तों, दूसरी बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है एज अ मैन थिंकेड बाय जेम्स एलन। अब ये देखिए आप, बहुत ही पतली बुक है, सिर्फ 50 पेजेस की है यार, पढ़ लेना। लेकिन इसकी इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की है, क्योंकि ये जेम्स एलन ने लिखी है, बाहर गांव के, यू नो थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश तो होगी। लेकिन दिस बुक इज़ ऑल अबाउट थॉट्स, आपको अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, थॉट्स को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, ताकि आप यू नो अच्छे एक्शंस ले सको। क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन थॉट्स, कि आप क्या सोच रहे हो, तो आप यू नो कौन से थॉट्स आपको लाने चाहिए अपने दिमाग में, कौन से थॉट्स को निकाल देना चाहिए, ये सब इसमें लिखा है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल के इंग्लिश में लिखा है, तो आपको गूगल करना पड़ेगा। एंड ये बुक बहुत काम आ सकती है यार, यू नो लोग 50-60 की एज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक उनको पता नहीं होता कि अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, अपने थॉट्स को कैसे अच्छे से यूज़ करना है। तो अगर आप ये बुक टीन एज में पढ़ लेते हो एंड अप्लाई कर देते हो, तो भाई आप बहुत ही आगे निकल जाओगे। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे एंड अच्छे से समझोगे, तभी आप ज़्यादा आगे निकल सकते हो, एंड आप यू नो थॉट्स को मैनेज करना सीख जाओगे, बहुत ही मज़ा आएगा। एंड मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ कि अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है अच्छे से, ताकि आपके एक्शंस अच्छे से आ पाए। क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन थॉट्स, कि आप कौन से एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि जब आप सोचते हो तभी उस पर आप अमल करते हो, यू नो। तो ये बुक यार ज़रूर रिकमेंड करूँगा, पढ़ लेना। एंड दोस्तों, तीसरी बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो मैं अभी मेरे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने उसको एक दोस्त के पास दिया है रीड करने के लिए, वो है डू एपिक्सिट बाय अंकुर वारिको। जो यू नो उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पे डाला है वो इस बुक में डाल दिया है, सिर्फ 200 या 300 पेजेस की है, एंड मेरे पास अभी वो नहीं है। लेकिन उसमें यू नो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, कि क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की, कैसे उन्होंने उसको सुधारा। तो आप अगर उस बुक को पढ़ लेते हो ना यार, तो वो गलतियाँ आप नहीं करोगे। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग यार। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही समझने वाली बुक है, एंड बहुत ही एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने उस बुक में, तो ज़रूर पढ़ लेना यार, बहुत ही काम आएगी वो, एंड आपका यू नो करियर उससे बन सकता है एक तरह से मैं कहना चाहूँ तो। एंड दोस्तों, चौथी एंड लास्ट बुक जो मैं टीनेजर्स को रेकमेंड करूँगा वो है द कर्मा बुक बाय सदगुरु। अब मैं बता दूँ कि ये बहुत ही डीप बुक है, 300+ पेजेस की बुक है, लेकिन यार बहुत ही सरल सिंपल भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन किया कर्मा को। एंड जैसे हम कर्मा को समझते हो ना, कि अगर आपने गलत काम किया तो आपके साथ गलत होगा, यही कर्मा है, तो ऐसे कर्मा काम नहीं करता है, ये बहुत गलत परसेप्शन है अबाउट कर्मा। तो यही इन्होंने इस बुक में समझाया है कि कर्मा इज़ अ डिफरेंट थिंग, इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट यार, बहुत ही डिफरेंट थिंग है, जो हम समझते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बुक आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, एंड इसमें कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कर्मा इस तरह से काम करता है। यस, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा खुद से, यू नो पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा।
तो ये बुक अगर आप टीनेज में ही पढ़ लेते हो एंड समझ लेते हो ना यार, बहुत काम की बुक है, सही बता रहा हूँ। बहुत आपकी इसकी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस बुक से। सॉरी ये फंबल्स हो रहे हैं आज बहुत ज़्यादा बिकॉज वट एवर रीज़न, लेकिन ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यार, बिल्कुल पढ़ना। एंड इसलिए मत छोड़ना कि ये बहुत ही मोटी बुक है एंड सदगुरु की बुक है तो ना थोड़ी हार्ड इंग्लिश में होगी। नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये हार्ड इंग्लिश में नहीं है, ये मीडियम इंग्लिश में है। यू नो, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत हार्ड वर्ड्स होंगे लेकिन वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन जो एज अ मैन थिंक इट में वर्ड्स है वो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये बुक तो यार पढ़ ही लेना यार बिल्कुल। एंड मैंने बहुत बार कहा है अपने वीडियोज़ में कि ये बुक पढ़ना है यार, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने पढ़ी है कि नहीं एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यार मैं बता दूं कि मैं बहुत ही अफसोस करता हूं कि ये सारी बुक्स जो मैंने आपको रेकमेंड की वो मैंने अपने टीनेज में नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं अपने टीनेज में टीवी डोरेमोन, छोटा भीम, वो शिनचैन, वही सब देखता रहा। उसमें मुझे एंटरटेनमेंट बहुत मिलता रहा एंड उसकी वजह से मुझे चश्मा भी लग चुका है, मैं पहले ही बता दूँ। सो जो बच्चे देख रहे हैं मुझे वो पहले ही ये समझ ले कि ये जो स्क्रीन वाली वर्ल्ड है ना, डोरेमोन, ये सब जो छोटा भीम आप कार्टून देखते हो, उससे बाहर निकलो एंड बुक्स में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है विद एंटरटेनमेंट। सो यार इसी नोट पे एंड करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।